अपवर्ड बना दूंगा इसको ऐसे, ये बन गया। इसके बाद y इज इक्वल टू 2, मतलब y में आपको दो स्टेप बढ़ना है और x x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, 1, 2, 3 और 4। तो y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन तो ये हो गई, y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन तो ये हो गई, और y इज इक्वल टू 4 वाली लाइन ये हो गई। ठीक है, मुझे एरिया कौन सा निकालना है? मैं एरिया निकालना चाहता हूँ कि जो y इज इक्वल टू 2 ये वाली लाइन, y इज इक्वल टू 4 ये वाली लाइन, और ये क्या है, ये है y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इसके इसके और y एक्सेस क्या होती है, x इज इक्वल टू 0, मतलब और फर्स्ट क्वार्टर, मतलब मुझे सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है, सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है। तो आप ये देखिएगा कि इस एरिया को निकालने के लिए, इस एरिया को निकालने के लिए अगर हम y वाला y dx वाला फंडा लेते हैं तो y dx वाले फंडे से भी हो जाएगा। अच्छा, और x dy वाला फंडा यहाँ पर मतलब काफ़ी आसान है, क्योंकि उसमें मुझे क्या करना है, उसमें मुझे यहाँ से और यहाँ तक जाना है, मतलब उसमें मुझे जैसे हम जैसे इस पैराबोला को देख रहे हैं ना, पैराबोला यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ये मेरा लोअर लिमिट हो जाएगी, ये अपर लिमिट हो जाएगी, और इसके नीचे नीचे का एरिया आ जाएगा। सिर्फ इतना करना पड़ेगा, सिर्फ इतना करना पड़ेगा, क्योंकि वाई एक्सिस इस बार वो बोल रहे हैं कि ये वाली लाइन पैराबोला और वाई एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है। तो अगर आप कहो तो मैं वाई डी एक्स से बताऊँ, जो कि लंबा हो जाएगा अननेसेसरी, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो एक्स डी वाई भी आपको उतना ही आसान लगेगा जितना वाई डी एक्स था। ये कैसे पता चलेगा? जैसे आप ये देखो कि यहाँ पर अगर मैं y dx वाले से करता हूँ, y dx वाले से करने का मतलब ये है कि एक तो इस लाइन के नीचे का एरिया निकालना पड़ेगा, तो ये हमारे पास ना ऐसे आ जाएगा, ऐसे देखना जरा, ये इस लाइन से नीचे नीचे वाला एरिया आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये वाली जो लाइन है, इस लाइन से नीचे वाला एरिया वो सब्ट्रैक्ट होगा उसमें से, मतलब ये जो पूरा निकला है उसमें से कि नीचे वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके उसके बाद जो ये पैराबोला है, जो ये पैराबोला है, इस पैराबोला का मुझे इस पैराबोला का अगर मैं यहाँ से यहाँ चलता हूँ तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। तो इस वाले एरिया में से और यहाँ से यहाँ चलूँगा, मतलब यहाँ से यहाँ वाला पैराबोला का एरिया ये पूरा आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ वाला वाई इज इक्वल टू 2 के नीचे का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये एरिया आ जाएगा, समझ गए? तो जो एरिया बचा था उसमें से मेरे को ये और सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब इतना सब कुछ करना पड़ेगा, समझ गए? करवा दूँ वाई डी एक्स से अगर कहो तो? अगर आप वाई डी एक्स से कहेंगे तो वाई डी एक्स से करा दूंगा, आसान है वो भी, लेकिन लंदी है, आसान जरूर है लेकिन लंदी है। और अगर मैं वाई एक्सिस के उसका निकालना है तो मेरे को सिर्फ ये पैराबोला दिखाई दे रहा है कि इस मुझे ये एरिया निकालना है, तो ये एरिया निकालने में मुझे समझ में आ रहा है कि इस पैराबोला का लोअर लिमिट ले लो आप, जैसे एक्स में लेते हैं तो एक्स वाली वैल्यू यहाँ से और यहाँ तक वाली लेता मैं, तो यहाँ से और यहाँ तक वाली आपको वाई की वैल्यू लेनी है बस, और उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई कर देना है इंटीग्रेट, बस इतना इतना करना पड़ेगा। बताइए दोनों को समझ में आ गई ये चीज? यस सर। ठीक है, यस सर। तो एक काम करिएगा, ये वाई इज इक्वल टू 2 है तो बेटा इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर पैराबोला, इस पॉइंट को आप बोल दो ए, इस वाले पॉइंट को बोल दो ए, और इस वाले पॉइंट को आप बोल दीजिए बी, ये ए है और ये बी है। अब जब मैं ए की बात करूँगा तो ए के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? आप ये कहिए पुट वाई इज इक्वल टू 2 इन पैराबोलाज इक्वेशन इन। सर ये दोनों कोऑर्डिनेट ए और बी हम क्यों निकाल रहे जब हम एक्स से कर रहे हैं तो? हाँ, वो तो निकालना जरूरी है ना मेरे को, भाई वैल्यू तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो चाहिए ना,
वो तो अगर हम जो हमारा पार्ट पाई एक्सिस पे आ रहा है उससे देखें तो हमारे कोऑर्डिनेट आते हैं 0.4 और 0.2, तो वाई तो हमारे पास है ऑलरेडी, मतलब अच्छा अपर लिमिट और लोअर लिमिट। 0.2 तो है क्या ये 0.2 कैसे हो गया यहाँ ए पर? नहीं, ये बिल्कुल इस ए के बिल्कुल पैरेलल जो पॉइंट है, पैरेलल मतलब ये सर। या ये हाँ सर, वाई एक्सिस पे। नहीं चाहिए मुझे, मुझे ये वाला नहीं चाहिए, इससे तो कुछ आएगा ही नहीं इसका। जैसे मान लीजिए ये कर्व है, जैसे मान लो ये कर्व है, तो मैं यहाँ से और यहाँ तक मेरे को एरिया निकालना है, तो इसके नीचे का एक्स एक्सिस तक का एरिया आता है, तो मुझे इस कर्व के पॉइंट चाहिए, लोअर लिमिट हाँ और सर, ठीक है ना, ठीक तो कर्व के चाहिए, वो तो इस लाइन के हो गए ना, इस वाली लाइन के। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, तो ये ए का जब मैं निकालूंगा तो मुझे क्या करना है, वाई इज इक्वल टू टू और इस कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। कर्व है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई फोर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई, एक ही बात है, तो वाई की जगह टू डाल दीजिए यहाँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इंटू टू, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एट, तो x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 8। सिर्फ लिखने के लिए मुझे x की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, बाकी किसी चीज में x की जरूरत यहाँ नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैं x डिवाइड करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर लिखोगे √8,2, ये हो गया। इसी तरह से b के कोऑर्डिनेट्स, b के कोऑर्डिनेट्स पे ये जो कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और यहाँ पर लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा, ये पुट y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 इन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 मतलब 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। वैसे प्लस माइनस 4 है, पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मैं प्लस 4 ही लूंगा, तो ये हो गई 4,4। ए और बी की ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। बस एक मिनट वेट करिए, कोई है अभी तक आ रहा हूँ, एक मिनट। और फिर मुझे इसका और वाई एक्सिस के बीच का एरिया चाहिए, दैट्स इट। तो वाई ऑफ कर्व मतलब वाई नहीं, सॉरी, अब मुझे चाहिए वाई डी एक्स, नहीं एक्स डी वाई, एक्स डी वाई। तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 2 से 4 अंडर रूट 4y, तो ये आ गया 2√y, एक नंबर 2√y और डीवाई के तो कांस्टेंट का मान ले लिया, और रूट वाई का क्या हो गया, वाई की पावर 3/2 लॉन्ग 3/2 और लोअर लिमिट इज 2, अपर लिमिट इज 4। अब ये जो 2/3/2 है तो ये कहां न्यूमरेटर में आ जाएगा, 2/3 और वाई की पावर 3/2 की पावर 4, तो ये कितना हो गया बेटा, 4/3, ठीक है, और 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, इस तरफ कर रहा हूँ, 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 1/2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 1/2 की पावर 3। तो 4/3, 4 की पावर 1/2 मतलब 2, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, 8 माइनस √2 का क्यूब, तो √2 का क्यूब कितना होगा, 2√2, 4/3, और यहाँ से 2 चाहे तो कॉमन ले लो, ये कितना बचेगा, 4 माइनस √2, 8/3 इंटू 4 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट्स। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, देख लीजिए एक बार, आंसर यही आ रहा है पीछे। थर्ड का राइट फोर नंबर थर्ड,
32 माइनस 8 रूट 2 अपॉन 3 है ना, 32 माइनस 8 हाँ 3 यही आंसर है। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे बताना जरा, मोबाइल सुरेट ये अभी बता दूँ। अक्षिता ये कौन सा भेजा तुमने भाई जूस वाला, क्वेश्चन नंबर 8 8 देख रहा हूँ अभी, फिर 13 भी देखते हैं। अच्छा 13 तुम दोनों की कॉमन प्रॉब्लम है, ये 3 भी कॉमन प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं पहले, उसमें भी देखकर अंदाजा लगा लेंगे कि क्या करना ज्यादा आसान रहेगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, 8 में है द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू y स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाई द लाइन x इज इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके अभी देखता हूँ, y और y डैश, x और x डैश। तो द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू y स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू y स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, y square is equal to 4 into 1 upon 4 into x, तो y square is equal to 4ax वाला फॉर्म हो गया, मतलब पैराबोला ये बनेगा। उसके बाद वो बोल रहे हैं the area between x is equal to y square and x is equal to 4, x is equal to 4 का मतलब है 1, 2, 3, 4। तो ये लाइन हो गई x is equal to 4, द एरिया बिटवीन x is equal to y square, ये पैराबोला हो गया x is equal to y square is divided into two equal parts by the line x is equal to a, find the value of a। ये जो एरिया है ना ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है बाय द लाइन x is equal to a। तो मुझे क्या करना है, मैं एरिया निकालूंगा और एरिया इस तरह से निकालूंगा, यहां पर आपके देखिए यहां पर y एक्सिस के तरफ का निकालने में फायदा नहीं है, यहां पैराबोला के नीचे वाला एरिया कौन सा लाई कर रहा है x वाला, तो x एक्सिस यानी कि y dx लेने में ही फायदा है यहां पर। तो जरा देखिएगा अभी बताता हूं उसको x is equal to a का क्या करना है। आप एक काम करो ये वाला और ये वाला एरिया इक्वल होना चाहिए, तो x is equal to a है ना, y की वैल्यू तो 0 होगी यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट को बोलिए a, ये हो गया o, o के कोऑर्डिनेट्स 0, 0, a के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी देखते हैं, और ये x is equal to y square और x is equal to 4, इसको बोलो b। तो यहां लिखूंगा मैं, हेडिंग डाल लेता हूं ऐसे ही, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, तो b के कोऑर्डिनेट्स किस तरह से निकलेंगे ये देखना है। ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना दोनों बच्चों को, बता दीजिए भाई क्वेश्चन समझ में आ गया। अब जरा जो मुझे बस x, मुझे सिर्फ a की वैल्यू बतानी है यहाँ पर, तो आप सबसे पहले देखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, तो b में आप समझ रहे हैं ये तो लाइन यहाँ पर, ये लाइन क्या है x is equal to 4 और ये कर्व क्या है x is equal to y square, ठीक है। तो x is equal to 4 इक्वेशन 1 बोल दो और x is equal to y square इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, तो यहाँ दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इट इम्प्लाइज दैट y square is equal to 4, तो y की वैल्यू मुझे प्लस 2 लेनी है बस, वैसे तो माइनस 2 भी आएगी लेकिन मैं प्लस 2 लूंगा, और इस वाले पर x की वैल्यू तो 4 है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए बेटा 4, 2, इतना करके छोड़ो। उसके बाद जो ये है a, a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे,
यहाँ लिखी है ये रूट है। हाँ ये एंड रूट है। एक मिनट, बिल्कुल सही। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू a, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3, और x इज इक्वल टू y स्क्वायर, ये तो इक्वेशन 2 है ही, तो इसका मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू a आ गया, तो y की वैल्यू रूट a, और x की वैल्यू तो a है ही, a कॉमा रूट a, ठीक। अब क्या करिए, ये वाला जो कर्व है ना, ये वाला कर्व, इसके नीचे नीचे वाला एरिया निकाल दो, यहाँ से यहाँ तक, बस यहाँ से यहाँ तक वाला, और इसी तरीके से फिर यहाँ से यहाँ तक वाले का नीचे नीचे का एरिया निकाल लो, ये एरिया और ये एरिया इक्वल रख दो, क्योंकि उन्होंने बोला है कि x is equal to a जो है वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आ गई। ये जो x is equal to a है, ये इस पैराबोला को और x is equal to 4 के बीच का जो एरिया है उसको 50-50 में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों हमारे इक्वल रख दीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी। आप इस पॉइंट को बोल दीजिए ए बी, इस पॉइंट को बोल दीजिए सी, और इस पॉइंट को बोल दीजिए डी, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में शायद आ गया होगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा एज पर क्वेश्चन, मैं वो पूरी चीज लिखने वाला नहीं हूँ, मैं बस ये लिखूंगा एज पर क्वेश्चन एरिया ओ ए डी इज इक्वल टू एरिया ए बी सी डी, समझ गए। एरिया ओ ए डी इज इक्वल टू एरिया ए बी सी डी, ये हो गया। तो ओ ए डी का एरिया, ओ ए डी का एरिया कैसे, मेरे को कहां से कहां तक जाने का, वाई डी एक्स करने वाला हूं, ठीक है, वाई डी एक्स, क्योंकि मैं कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकाल रहा हूं, तो वाई डी एक्स करेंगे। तो लोअर लिमिट x की 0, अपर लिमिट x की a, तो इंटीग्रेशन 0 से a, इंटीग्रेशन 0 से a, और कर्व वही है सेम, कर्व क्या है, x is equal to y square, यानी कि y is equal to root x, root x dx is equal to, अब मैं कहां से कहां तक जाऊंगा, अब मैं a से b तक जाऊंगा, तो a से b यानी कि small a से 4 तक, small a से 4 तक, और ये जो कर्व है, कर्व वही है हमारे पास, क्या x is equal to y square, यानी कि y is equal to root x। सर बोलिए। सर जैसे इसको एरिया का नाम, मतलब पार्ट्स का नाम ना देके, मतलब 1 2 3 4 लिख दिया तो भी चलेगा, रोमन न्यूमरल्स में तो भी चलेगा ना, तो भी चलेगा। मेरे को 1 और 2 की जरूरत है, 3 और 4 की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो मैं निकालता कैसे हूँ। हम ये कहेंगे कि जब इस पूरे एरिया को वो 50-50 में डिवाइड करेगा, तो ये दोनों भी तो 50-50 होंगे, तो मुझे नीचे वाले की ज़रूरत नहीं है। हम तो नीचे वाले का निकालते कैसे हैं, ऊपर वाले का निकाल के डबल कर देते हैं उसको, समझ रहे हो ना, तो मुझे नीचे वाले की ज़रूरत नहीं है। हाँ अब जरा देखिएगा एक्स का क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4, ठीक है। ये जो 3/2 है इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये 2/3 हो गया, ठीक है। एक्स की पावर 3/2, हाँ काट सकते हैं, कोई बात नहीं, ब्रैकेट में भी काट सकते हैं, पर निकाल लो कॉन्स्टेंट है, तो ये हो गया x की पावर 3/2 और लोअर लिमिट a अपर लिमिट 4, 2/3 से 2/3 कर दिया। अब ये हो गया a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 मैं देख चुका हूँ 8 होता है, तो वो 8 हो गया, a की पावर 3/2 को इधर ले आए, a की पावर 3/2 प्लस a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8, ये क्या हो गया ट्वाइस ऑफ a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8, 2 × 2 = 4, ठीक। अब
अब ये अगर निकालना है तो ये जो पावर है ना ये इधर चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, ये बन जाएगा 4 की पावर 2/3। मेरी बात समझ में आ गई? जब भी कभी कोई पावर को मुझे उधर शिफ्ट करना होता है तो वो उधर रेसिप्रोकल होकर शिफ्ट होती है, तो ए इज इक्वल टू 4 की पावर 2/3 ऐसे हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास आया ए इज इक्वल टू 4 की पावर 2 की पावर 1/3 ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो ए इज इक्वल टू 16 की पावर 1/3। पीछे आंसर देख लो, शायद यही होना चाहिए। एट्थ का आंसर, 8.1 का एट्थ देख लो जरा। उन्होंने तो 4 की पावर 2/3 लिखकर छोड़ा दिया उसको, ठीक है, समझ गए भाई, क्लियर है? यस सर। ठीक है हर्षिता बोलो। यस सर। ठीक, उसके बाद आप दोनों का ये कॉमन डाउट है, क्वेश्चन नंबर 13, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये मिटा रहा हूं मैं। तो कर्व बना लेते हैं पहले, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y y डैश x x डैश, ये कर्व तो ऐसे बन गया, y एक्सिस यानी कि y एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, 1 2 3। तो भाई फिर वही दिखाई दे रहा है, वो बोल रहे हैं कि एरिया निकालना है इस कर्व के बीच का, y इज इक्वल टू 3 के बीच का एंड द y एक्सिस, मतलब ये वाला एरिया निकालना है, समझ गए? तो अब y एक्सिस की तरफ का एरिया निकालना है तो x dy करना पड़ेगा यहाँ पर। मेरी बात समझ में आ गई दोनों को, बता दो भाई। अरे कहाँ हो गई आवाज निकल नहीं रही, बताओ वहाँ है ना, कुछ तो बोलो। यस सर। ठीक है चलो, चलिए जी। तो ये जो है ये हमारे पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया, 4x, तो x क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 4, वाई स्क्वायर बाई 4। एक तो ये वैल्यू, मुझे अब इस कर्व के नीचे नीचे वाला एरिया निकालना है, तो कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक जा रहा है, तो कर्व के नीचे नीचे वाला, तो ये तो हो गया 0,0 और ये क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू तो यहाँ पर 9/4,3 परफेक्ट, 9/4,3। तो रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ जाएंगे, x dy करना है, तो y की वैल्यू 0 और इधर y की वैल्यू 0 से 3, बिल्कुल सही। और x हमारा कर्व क्या है, y स्क्वायर बाई 4, अब इसमें 1/4 बाहर ले लिया, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, y क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3, 3 बाहर निकाल लिया, 1/12 और y की जगह 3 डाला, 3³ - 0³, 3³ कितना हो गया 27/12, 3⁴ और 3⁹, 9/4 आ रहा है भाई, ऑप्शन बी यही आंसर। यस सर। ठीक है जी, और बताइए, और तो कुछ नहीं सर, एक बार मुझे बैंक अकाउंट वाला फिर से बता दूँ। बैंक अकाउंट वाला कहाँ पर है, कौन सा क्वेश्चन है सर? 9.4 का क्वेश्चन नंबर 21। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले एक बार तो डेफिनेटली
यूज करेंगे और फिर इनडेफिनिट यूज करेंगे, दोनों काम करता है। Principal increases continuously at the rate of 5% per year. An amount of rupees 1000 is deposited with this bank. How much will it be worth after 10 years? ठीक है? तो principal P हो गया। ये कितना दे रखा है? रुपीज 1000। और ये कब डिपॉजिट करा है? बिल्कुल शुरुआत में। तो T is equal to 0 years। तो ये दिया है। How much will it worth after 10 years? How much will it worth after 10 years? If in a bank principal increases continuously at the rate of 5% per year, at the rate of 5% per year, to DP by DT is equal to 5% of P. dp by dt is equal to 5 upon 100 multiplied by p. So 20 dp upon p is equal to dt को इधर ले आओ, ये हो गया। How much will it worth after 10 years? How much will it worth? मतलब वो पूछ रहे हैं कि भाई पी की वैल्यू बताइए जब टी की वैल्यू 10 इयर्स हो जाए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये लोअर लिमिट से या अपर लिमिट से पी अनोन है निकाल लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो 20 इंटीग्रेशन डीपी बाई पी, लोअर लिमिट प्रिंसिपल की लोअर लिमिट कितनी है 1000 और अपर लिमिट है पी इज इक्वल टू इधर डी टी है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, टी की लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, dp by p ये कितना हो गया, ये हो जाएगा log p, 20 log p 1000 से p। ठीक है, और इसका हो गया t 0 से 10, 20 into log p minus log 1000 is equal to 10 minus 0, 20 log p minus log 1000 को गुणेंगे 10 की पावर 3, ये 10 हो गया, 10 1 10, 10 2 20, log p minus 3 log 10, log p minus 3 log 10 is equal to इस 2 को उधर ले जाओ, इधर मल्टीप्लाई किया था सर, डिवाइड में अगर ले आते तो ले तो गया 1 upon 2 तो गया, नहीं सर p by 1000 कर देते तो e की पावर 0.5 का वैल्यू अच्छा अच्छा क्या दे रखा है, e की पावर 0.5। हाँ ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ, रुको, ये log p minus 3 log 10 ठीक है, आप सही कह रहे हो, वैसे करने में ही फायदा है। log a minus log b हो जाएगा log a upon b, तो log b upon 10 क्यूब और ये उधर चला जाएगा 1 upon 2, तो log b upon 10 क्यूब हो गया और ये हो गया 0.5। log खत्म करते हैं तो इधर वाली चीज जो है वो e की पावर में चली जाती है, p upon 10 cube e की पावर 0.5 हो गया। ठीक है, अब 10 cube को इधर ले जाओ तो p is equal to 1000 into e की पावर 0.5, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.648,
1.648 पॉइंट लिया, नीचे हजार आ गया, 30 से 30, ये आ गया रुपीज 1648। हजार रुपए 10 साल में इतने हो जाएंगे। सर क्वेश्चन 13 में अगर लेफ्ट साइड ए की वैल्यू कैसे आई, मतलब अभी अभी बताओ, ये बता दो, ये वाला क्वेश्चन आ गया समझ में? सर ठीक है। अच्छा इसमें 13 में ए की वैल्यू नहीं सर, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 9/4, 3 ये कैसे आ गया? यहाँ पर ये वाली इक्वेशन है y is equal to 3 और ये वाली इक्वेशन है x is equal to y square by 4, तो जब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो y की वैल्यू इसमें डाल दो, तो 3 का स्क्वायर 9/4, तो x की वैल्यू आ गई 9/4 और y की वैल्यू तो 3 है। ओके सर समझ गए। चलिए जी बाकी हो गई तैयारी, और बता दो कहीं कोई डाउट तो नहीं है? अब उधर से आवाज नहीं आ रही दोनों में से किसी की भी? नहीं सर हो गया। चलिए तो फिर बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, ठीक है? चलिए ओके जी, ओके ओके।